बताने वाला हूँ, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, यहाँ तक कि ड्रिंक्स का इस्तेमाल भी किया होगा, बट आप लोगों को स्टिल वन टाइम हेडशॉट नहीं लगते हैं। तो ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को रियल वन टाइम हेडशॉट ट्रिक बताने वाला हूँ, जो कोई नहीं बताता है, ठीक है। तो गाइस इसके अलावा मैं एक चीज बता देता हूँ कि इस वीडियो के जस्ट बाद में जो हूँ फेसबुक पे लाइव जाने वाला हूँ, वहाँ पे जो है गाइस 3.5 के जो फॉलोवर्स है उसमें गिव अवे करने वाला हूँ। तो जल्दी से सारे बंदे जो है लाइव पे आ जाना और मुझे फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है। चलो बात करते हैं यहाँ पे इस वीडियो की, किस तरीके से आप लोग यहाँ पे वन टाइम हेडशॉट मार सकते हैं। गाइस सबसे पहले अपनी ट्रिक है जिसका नाम है यहाँ पे बैक साइड फायर बटन। अब इस ट्रिक के अंदर होता क्या है, देखो मैंने बहुत सारे ऐसे बंदे देखे जो कि वन टाइम हेडशॉट मारने का ट्राई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो किस तरीके से करते हैं मैं देखता हूँ। देखो इस तरीके से जो है यहाँ पे बंदे वन टाइम हेडशॉट मारने का ट्राई करते हैं, आप लोग वीडियो में देख सकते हो। उनका मानना होता है भाई कि जैसे अपन फायर बटन को ऊपर की ओर ट्रेक करेंगे बस हमारा वन टाइम हेडशॉट लग जाएगा, और फिर जब नहीं लगता है तो वो समझता है कि भाई हमारा फायर बटन का साइज छोटा है, हमारा साइज फायर बटन का साइज बड़ा है। तो उनकी माइंड के अंदर ये मेंटेलिटी बन जाती है कि हमारे फायर बटन के अंदर ही मिस्टेक है, हम तो अच्छे से ट्रेक कर रहे हैं, और उनको ये नहीं पता होता है कि भाई जो ट्रेक कर रहे हो पूरी तरीके से गलत होता है। अब किस तरीके से आप लोगों को ट्रेक करना है, ठीक है। तो आप लोग मेरे हर एक क्लिप के अंदर देख सकते हो जहाँ पे मैं हेडशॉट मार रहा हूँ, देन मैं तुरंत अपनी गन को जो है पीछे की ओर कर रहा हूँ, यानी कि जैसे ही मैंने फायर किया देन मैंने गन को स्विच कर दिया। इससे क्या होता है कि आप लोग जैसे अपनी गन को स्विच कर लेते हैं तो आपका जो एम है वो पूरी तरीके से खाली हो जाता है, यानी कि उसके ऊपर किसी भी टाइप का कोई भी प्रेशर नहीं होता है। और जैसे आप फायर करके गन को स्विच कर लेते हो तो आपका हाथ जो पूरी तरीके से खाली हो जाता है, यानी अपना कैरेक्टर का हाथ।